दोस्तों फाइनेंशियल सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी श्री ग्रुप के रिजोल्यूशन के लिए यूको बैंक की अगुवाई वाले लेंडर्स के एक कंस्टोडियम ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संपर्क किया है। बैंक चाहता है कि DHFL मामले की तरह श्री ग्रुप का भी रिजोल्यूशन हो। श्री ग्रुप के सबसे बड़े लेंडर में से एक का कहना है कि दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड के रिजोल्यूशन के बाद हमारी उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि अगर एक इतनी बड़ी और जटिल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी का NCLT के तहत रिजोल्यूशन हो सकता है तो फिर श्री ग्रुप का क्यों नहीं। श्री के तीन अहम लेंडर्स ने बताया है कि वो चाहते हैं कि NCLT के तहत RBI की अगुवाई में इस कंपनी का रिजोल्यूशन किया जाए। एक बैंकर ने बताया कि RBI ने खुद कंपनी के खातों की जांच की थी और वो आगे कहते हैं कि हमें पता है कि संभावित फ्रॉड का मामला निकल सकता है। ऐसे में सबसे अच्छा विकल्प यही होगा कि RBI इस मामले में एक एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त कर दे और फिर रिजोल्यूशन के लिए NCLT के पास जाए। वहीं एक दूसरे बैंकर ने कहा कि हमने इस बारे में RBI को लिखा है, यानी लेटर लिखा है, और देखने वाली बात यह होगी कि रेगुलेटर क्या फैसला लेती है इस पर। एक रिपोर्ट के अनुसार श्री ग्रुप पर बैंकों का करीब 36,000 करोड़ रुपए का बकाया है। तो दोस्तों अब देखने वाली बात यह होगी कि इस केस में आगे क्या होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट श्री ग्रुप को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।